सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। यहाँ आ रही ऐसी नौबतदारी, लोग बाग किसान अपना खाने का अनाज बेचें जब दवाई लवें, मिल बिक भी लिया, लेने वाला ले भी लिया, हमारी समस्या झुकी तो हमारी समस्या पर कोई ध्यान नहीं। कहता हमारा पेमेंट देगा नहीं, बिके हम डीएम के एडीएम का हम कहीं नहीं जाने का, हम सीधे मिल में पड़ेंगे बस, फिर इसे काम को हम सारे को बंद करवा दो। वो तो रोक रखे हमने किसानों को भाई, तैयारी तो हमारी थी पहली तारीख में, लेकिन हमने रोक दे चुके तू, लेकिन जो भी आवाज़ उठाए उन पर उनकी नहीं सुनते, या उसका दबाया जा कुचलने का काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर इलेक्शन में भी आपको देखने को मिला, यही कारण रहा किसानों का मेन मुद्दा गन्ने का पेमेंट का, इसीलिए ऐसी ठहर गए। सीसीए में आपका स्वागत है, हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में है और मैं बात करूंगा, देश में देखा जाए अगर अभी जो राजनीतिक माहौल था, चुनाव हो चुके हैं, जो मंत्री नेतागण बनने थे वो बन चुके हैं, देश में संसद भी बैठ चुकी है और संसद सत्र भी चल चुका है, लेकिन इसके बाद क्या देखा जाए अगर कहीं ना कहीं हम चलचित्र अभियान भी उन मुद्दों पर वापस आकर काम कर रहा है जो जिन मुद्दों पर काम होना चाहिए। और मैं बात करूं अगर जिला शामली के, यहाँ का एक प्रमुख मुद्दा है गन्ना भुगतान को लेकर, यहाँ जो चीज़ें चल रही है पिछले दौर में, पिछले समय में, वो कहीं ना कहीं किसानों को आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही है कि किसानों का जो गन्ना भुगतान है वो जिला शामली के जो दोआबा शुगर मिल है उस पर कहीं ना कहीं अभी बहुत 214 करोड़ के करीब गन्ना भुगतान बाकी है। और हम यहाँ आज जिला शामली के लीलोन गांव में है, किसानों के बीच हम बात करेंगे कि किस तरह से अभी तक जिला शामली में गन्ना भुगतान की समस्या बनी हुई है और किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम किसानों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्याएं अभी तक गन्ना भुगतान ना होने की वजह से किसानों को आ रही है। जी बाबा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जी क्या नाम जी अपना? रामपाल सिंह। अच्छा जी, आंदोलन भी देखा, काफ़ी दिन से आंदोलन चला, सोसाइटी पे भी आंदोलन रहा, शामली में किसान अभी तक डटे हुए हैं, क्या स्थिति है अभी किसान की? स्थिति भाई यहाँ पहुँच गई इस मोड़ पे, हमारी परसों मीटिंग थी शिव मंदिर में, तो एडीएम ने कहा था उन्हें जो मतलब इसके मिल के जो मैनेजमेंट है वे आ रहे थे, तो उनके हमारे बीच में वार्ता हुई। वार्ता होने पे जो जीएम साहब हैं हमारे यहाँ बलदारी जी, वे कहने लगे, पल्ला फैला के कहने लगे, जी भीख दे दो कुछ समय की हमें, और वैसे आपका बहुत सहयोग है, हम का आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं भाई, 2 साल हो गए आपके पेमेंट को, पर थोड़ा सा हमें भी दे दो मौका भाई। हमारे शास्त्री जी कहने लगे, किसानों को कहने लगे, भाई बताओ आपकी क्या राय है? वह कहने लगे, भाई दे दो जब ऐसी बात है, चलो। तो 20-22 दिन उन्होंने इस जुलाई के महीने के 20-22 तारीख का शेड्यूल की, कहने लगे इसमें हम आपका जो है निश्चित डेट दे देंगे आपको जिससे आपका पेमेंट हो जा। तो यहाँ बात पहुँची, क्या समस्या अभी खड़ी हो रही है, बरसात भी शुरू हो गई, खेती को लेकर अगर भुगतान नहीं है तो खेती में क्या दिक्कतें हैं? अजी खेती में तो बधेरी दिक्कत है, ये जो गन्ने की जो वैरायटी है ये टीबी का मरीज फंस रहा हमें, इसे रोज दवाई जहाँ पेस्टिसाइड जमे कहाँ से, सवाल पैसे का और भुगतान वहाँ पड़ा बंद। यहाँ आ रही ऐसी नौबत आ रही कि लोग बाग किसान अपना खाने का अनाज बेचें जब दवाई लवें और जब दवाई का इस्तेमाल करें फसल में, जो अनाज जो फसल हुई थी अनाज की पिछली जी, उसको बेच कर उसको बेच के और जब दवाई लें जब स्प्रे करें फसल में, तो मतलब पैसे की तरफ से तो काफ़ी त्रस्त हैं, उसमें तो कोई दोरा है ही नहीं। अभी त्रिवेणी ग्रुप ने खरीद लिया, वो काम हो गया के बाद दादी मरेगी पोती होगी, परिवार तो चुका, तो परिवार में तो कोई फर्क नहीं आया, मिल बिक भी लिया, लेने वाला ले भी लिया, हमारी समस्या चुकी तो हमारी समस्या पर कोई ध्यान नहीं। बपूचा नाबाद हाल सब हाल है। नमस्कार जी बाबू जी। नमस्ते भाई जी, क्या नाम अपना? नाम बिल्लू है भाई। अच्छा जी, क्या लग रहा जी, समस्या बनी हुई है लगातार, कुछ समाधान नजर आवे आपको? भाई समस्या तो हम तो 95 दिन तो पिछले साल रह गए वहीं मिल में, या जो है सब कमी सरकार की चल रही है, मिल वाले तो पेमेंट दे सरकार चाह,
और सरकार ने फिर देख भी लिया यू जो खड़ा हुआ यहाँ से इलेक्शन भी होगा, इलेक्शन में यहाँ सपा जीत गई भाजपा हार गई। पहले भी सब लोगों ने कहा भाई मतलब तुम हमारा पेमेंट सेमेंट करवाओ सरकार तह रही है, सरकार बिल्कुल कु बांधी गई हुई बेटी, सरकार का कोई इसमें रोल नहीं। किसान उनकी गैर रोज ऊपरा तली हुए रहे हैं, कभी मील वालू गए कभी DM गए, सुनवाई कुछ नहीं है। ये भी उन नवे आए उन्हें 20-22 दिन का टाइम मांग गया, देखो भाई ये के करे नहीं करते तो बस फिर भी किसानों का तो वही है, बस धरना देंगे मील हुए काम धंधा बंद करवाएंगे इसका 20-22 दिन पीछे, कह तो हमारा पेमेंट देगा नहीं भी कह हम DM के ADM का हम कहीं नहीं जाने का, हम सीधे मील में पड़ेंगे, बस फिर भी से काम को हम सारे को बंद करवा दो। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा जी, नाम तो खैर सभी को पता ही है, आप आंदोलन में बड़े लंबे समय से संघर्ष कर रहे, तो संजीव शास्त्री जी मैं आपसे यही पूछूंगा कि क्या स्थिति है जिला शामली में अभी गन्ना भुगतान को लेकर, क्योंकि आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं इस समस्या को और कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं जिला शामली में इस आंदोलन को, आपके नज़रिए से क्या स्थिति है? देखो ये मेल बिक चुका और 10-12 साल से किसानों को बहुत परेशानी थी और ये बाकी जो बका भुगतान है ये लगातार रुकता ही रहता, तो इसका रूटीन नहीं बन पाया। एक साल का बका हमेशा रहा और बढ़ता चला गया, मान लें कभी 10 करोड़ बैठ गया कभी 20 करोड़ बैठ गया, तो हर साल ये बढ़ता रहा घटा नहीं। तो इनमें जो है मेल का जो है सुधार हो नहीं पाया। अब यह आंदोलन रखना पड़ा इसमें और किसानों से बातचीत हुई, परेशानी में आंदोलन करना पड़ा और 95 दिन शुगर सामने शुगर मिल में आंदोलन चला और फिर यह कि दबाव बना और बातचीत हुई, तो निष्कर्ष ये हुआ कि भाई अगला जो नया भुगतान है 14 दिन में देंगे और बकाया भुगतान इसके साथ में कुछ कुछ लगा कर देंगे और अप्रैल तक का दोनों भुगतान पूर्ण कर दिया जाऊँ बकाया भी और नया। लेकिन ये उस शर्त पर बकाया भुगतान जो है वो जो का तू है वो नहीं दे पाई, नया दिया उन्होंने और नया भी अब कुछ रुक रहा, तो फिर अब फिर हमने इनको जो है चेतावनी दी। हम कई बार DM साहब से मिले, मेल वालों के पास भी गए, हम मार्च में गए थे, उसके बाद में कलेक्ट्रेट में कई बार जा चुके। अब DM साहब कहते हैं बात करेंगे जल्दी करवाओगे, तो कोई समाधान नहीं हो पा। फिर किसानों ने जो है आक्रोशित होकर और धरना देने के वो करीब धरना दो तहसील में, तो आज का टाइम रखा था 1 तारीख का, 1 जुलाई का, और 10 तारीख में 10 जून में ज्ञापन दे गए थे जी अगर 30 तारीख तक भुगतान नहीं हुआ तो उसमें तहसील में धरना दिया जाएगा। फिर कल 29 तारीख में परसों लिलोन गाँव में मीटिंग थी, तो मेल मैनेजमेंट वहीं आ गया सारा जो नया भी पुराना भी जो भी है, तो उन्होंने जो है हमारे से जो किसान भाई थे जो भी जितने भी उन्होंने 20-22 दिन का समय मांगा। अब जी जो देखो जो है आपने पुराने मेल को इतना समय दिया और केवल हमें 20-22 दिन का समय दे दो, और उन्होंने पल्ला पसारा ये जुलाई के महीने तक की, हाँ 20 जुलाई तक का समय मांगा और उन्होंने पल्ला पसारा कि जी हमें 20 दिन का जो है टाइम दे दो और इसमें 20 दिन में हम अपना जो भी कागजी कार्रवाई है और हमारे जो मालिक है वे विदेश जा रहे और वे आए नहीं यहाँ पे, नहीं तो हम भाई बातचीत करके बता देते, तो वे आने वाले हैं 5-7 दिन में और आने के बाद में हम क्लियर कर देंगे 20 जुलाई के बाद में जी हम आपका भुगतान कब देंगे, तो ये वही बात। फिर किसानों ने बस दे दिया 20 दिन का समय, चलो कोई बात नहीं भाई इन्हें भी दे दो 20 दिन का समय, इतना समय जब इतना समय इनको भी दे तो कोई बात नहीं। अब 20 जुलाई के बाद में जो ये बताओगे अगर हमारी समझ में आओगी, अगर लंबा टाइम दिया तो हम मन ने किसी भी टाइम किसी भी कीमत पे हम फिर धरना मेल में देंगे, अगर नज़दीक का दिया 5-4 दिन का कोई दिक्कत नहीं। वो तो रोक रखे हमने किसानों को भाई, तैयारी तो हमारी थी 1 तारीख में, लेकिन हमने रोक दे चूँकि तू भाई अगर ये सही उस पर रहे तो कोई बात नहीं, अगर इन्होंने ढिलाई बरती या लंबा टाइम दिया तो फ़ोन करने बस, मीटिंग हम कर चुके सब गाँव में उनको फ़ोन करने बस तुरंत आ लगे, तो आंदोलन ही एक रास्ता बचता है अगर आंदोलन ही है और क्या करेंगे भाई। अधिकारी नहीं माने कोई सुनता, DM नहीं सुनते, वहाँ 95 दिन धरना हमारा चला तो DM साहब जो है भाई वहाँ एक दिन भी आ नहीं सके, तो कोई सुनवाई नहीं हुई, इलेक्शन हुए थे
विधानसभा के, तो ये तीनों मील जो है यहाँ की, वह गोकर मील है, थान भवन है, शामली है, तो इनकी इतनी स्थिति खराब थी, इन तीनों मिलने को वेस है, ये तीनों से टारी भाजपा। और अब तक भी वो मतलब है कि पेमेंट नहीं हुआ, ये एमपी की बिहार की तो गुस्सा तो है लोगों, गुस्सा है लोगों में, तो वो गुस्सा हटा नहीं, तो ये बिहार के, अगर ये स्थिति रही तो यहाँ पे कभी भी इस तरह समझ नहीं हो सकते। लेकिन जो भी आवाज़ उठाए उन पर उनकी नहीं सुनते, ये उसका दबाया जा कुचलने का काम करें, नहीं उनको आवाज़ सुननी चाहिए, परेशानी सुननी चाहिए, लेकिन उस पर मुकदमे कर दें, हमारे पे भी मुकदमे ठोक दिए, आप पर भी हमारे पे भी मतलब है कि वहाँ बैठे थे हमारे मतलब है हमारे बहुत दबाव डाल लगा, ये नहीं कि मिल वाले पे दबाव डालेगा जल्दी भुगतान करा जा, जो जो किसान पैसा मांगेंगे भुगतान मांगेंगे उस पर ही जो है दबाव दिया जा, तो ये स्थिति है सरकार की, तो इसलिए गुस्से में किसान जी। क्या नाम बाबू जी? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, क्या लग रहा है, जैसे बाबू जी कह रहे हैं कि भाई सरकार मील पे तो दबाव नहीं डाल रही, किसानों पे दबाव डाल रही, मुकदमे की इस तरह की स्थिति पैदा हो जावे, क्या लगे, क्या होगा आगे, क्या रास्ता दिखाई दे रहा है? देखो जी, हमारे यहाँ 29 जून में एक किसानों की महापंचायत हुई थी, उसमें मील अधिकारी आए थे, उन्होंने 20-22 जुलाई का हमें आश्वासन दिया, अबे थारा तुम्हें टाइम बता देंगे, अगर हमें 20-22 उस तरह जो लाए तो हमें 2-4 दिन का टाइम पता है तो ठीक है, पेमेंट एक मुश्त दें, अगर नहीं देते आज धरना भैर मारा नुक्कन हो जाए रहेगा। हूँ तो कह रहे किसान देवता देवता, अरे देवता रे अंधेरा राक्षस क्यों बनाओ, मान लें हमारा पैसा है, भीख हम नहीं मांग रहे, हमारा पैसा है, अपना पैसा मांगने जा रहे, सबके घरों में खर्चे है, इस तरह शर्म की बात के हो सके, अगर जो किसान अपना नाच जिसा वो खावे बेच बेच कर दवा लग रहा है, इस तरह शर्म की बात नहीं हो सकती कुछ भी। क्या नाम है? अच्छा जी, क्या लग रहा जी, क्या कैसे देख रहे? तो लंबा समय खिंच गया, 95 दिन धरना भी रहा, फिर गांव गांव पंचायत भी हो रही, क्या कह रहे बिल प्रशासन से बातचीत में, क्या बातचीत? हमें तो ऐसा लग रहा, हम तो भुक के रहे, मेरे ज्यादा भुक के आ गए। अच्छा। हाँ, पहला भुक का था, अगला भुक का ही आ गया, सोचा कि क्षण को खा जाओ। तो क्या रास्ता देख रहे, मुझे क्या नजर आ रहा, क्या होगा? नजर तो यही है, मतलब हम इनका धरना धरा गए, हटे नहीं होता है, हटे नहीं बिल्कुल भी, ये कोई भी आ जाओ हमें किसी डर लगता ही नहीं, हट गए हमारे तो फिर भी हाँ मेरे मरे तो हमें ही पर मरते मरते भी मार के मर गए, हाँ वो नहीं हटे। पहले तो भाई आप लोगों का स्वागत, आप मेरे गांव में आए और हमारी समस्या आप लोग सुन रहे, बड़ी अच्छी बात है, और भाई आपके माध्यम से ही हमारी बात जो है ऊपर तक जा, लेकिन समस्या जो है समस्या तो इतनी है किसानों को गिनाई नहीं जाती। रही बात अन्नदाता की, अन्नदाता तो किसान है ही, पब्लिक का पूरा पार्ट है, इसमें तो दो राय है ही नहीं, लेकिन यू अपने आप दूसरे का पूरा पार्ट कभी भुक्का रहे कभी खुश है, और जो ऐसे बिल्कुल ही मतलब ऐसा करते हैं कि भाई इसका काम ही ना चले, स्कूल खुल गए, बच्चों की फीस भी चाह, ड्रेस भी चाह, दवाई भी आवें, बताओ कहाँ से लाओगे जब पेमेंट नहीं होने। क्या कारण आपको नज़र आवे कि किसान को भुगतान रोक के, क्या कमज़ोर करने की साजिश है कहीं? हाँ कमज़ोर तो करा ही लग रहे जी, कमज़ोर तो हो ही जाएंगे, लोग गन्ना बोना छोड़ देंगे सहज सहज, और क्या होगा जब नहीं कोई पेमेंट करने का, दूसरी फसल के उस पर चलेंगे, दूसरी करने लगेंगे, पर समस्या तो दूसरी की भी यही है, दूसरी को भी मान लें यहाँ तो कुछ दाम में खरीदते हैं, मेरे पता लेके फिर कुछ और दाम में बेचें, उसमें भी शोषण ही है, शोषण तो सारे को ही हो रहा है किसान का। या वोट की नाराजगी है क्षेत्र से? हाँ ऐसा भी हो सके जी भाई, मान लो सीट है कदा गर्मी काट रहे हो जो कर पीछे गर्मी तो किसानों ने काट दी। हाँ भाई अभी तो कदम किसानों ने भी काट दी, विधानसभा में नहीं मिली थी, लोकसभा में भी नहीं अपना हार गए। क्या लग रहा था जी, क्या नाम? भाई सौराज सिंह मेरा नाम है। क्या लग रहा जी, क्या होगा स्थिति कैसी बनती जा रही? 22 तारीख इन्होंने मांगी थी तो कह लगे हम तारीख दे गए, जो लंबी तारीख इन्होंने दी तो हम ये फैसला नहीं मानने गए, हम गेट हाउस में ले गए अपनी पंचायत धरना शामिल कर दें। किसानों के साथ ही क्यों ऐसा व्यवहार? अजी जी किसान के जमाले किसान के इस हित में पैसा मान लो गवर्नमेंट या मिल वाला पैसे दे रहे तो हम क्या करेंगे, तो किसान तो मान लो फसल के ये गन्ने के ऊपर ही निर्भर है, और तो फसल हमारी बिक नहीं सकती कि ये गन्ना ही जा,
और जब गन्ने के दाम नहीं मिल रहे तो हम क्या करेंगे? पिछले साल का हमारा पेमेंट रोक दिया, पिछले साल का पेमेंट रोक गया तो हमारे बच्चों की फीस है, बस खाना भी है, बीमारी भी है, तो स्थिति तो बहुत है। पर देखो 20 तारीख मांगी इन्होंने, नहीं इन्होंने माना तो हम गेट हाउस में अपना धरना जारी करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम जी? बबलू कुमार जी। बबलू जी, क्या लग रहा है? ये तो शामली मिल की लगातार समस्या बन रही, वादे पे वादे हो रहे, आश्वासन पे आश्वासन दे रहे, लेकिन किसान की स्थिति फिर भी वही है। किसान की तो बहुत दयनीय स्थिति है जी, किसान के प्रति सरकार का कोई भी मतलब है ही नहीं, लगाव नहीं। कोई सी भी सरकार रही हो, भाजपा हो, समाजवादी हो, हर सरकार में किसान का तो शोषण ही किया जा रहा है जी। सरकार तो जो चाह मतलब पेमेंट अगले दिन दुआ सके, क्यों नहीं दुआ सकती? सरकार के हाथ में तो बहुत कुछ है। रही बात मिल मालिक की विदेश में जाने, उन्होंने कहा हमारे मालिक जो है लंदन जा रहे हैं। फ़ोन तो एक ऐसी चीज़ है, फ़ोन तो आप कहीं भी कर लो, उनसे भी संपर्क हो जाएगा, इंटरनेट है, बिल्कुल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें कोताही बरत रही, इसमें कोई वो नहीं है, प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से भी। और जहाँ तक ये चुनाव की आपने बात की, इसीलिए तो पहले से ठहर गए थे। और हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना बेल्ट भूले जी, मुख्य फसल गन्ने की है, बाकी तो और तो कमी वो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर इलेक्शन में भी आपको देखने को मिला। यही कारण रहा किसानों का मेन मुद्दा गन्ने का पेमेंट का, इसीलिए ऐसी ठहर गए। तो अगर मान लिया फिर यही स्थिति निकी रही तो आगे कुछ और वो करा जाएगा। हम जिला शामली के गांव लिलोन में थे, जहां पर हमने किसानों से बात की, और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जिला शामली की एक प्रमुख समस्या रही है यहाँ के किसानों की गन्ना भुगतान की समस्या, उसको लेकर किसान यहाँ फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार है। उनकी मिल प्रशासन से बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं समय मांगा गया है, और समय को देखते हुए अगर उस समय को देखते हुए किसानों की जो मांग है उनके भुगतान की, अगर वो पूरी ना हुई समय से तो किसान फिर दोबारा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जुड़े रहे आप सीसीए से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।